हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हम लोग प्रतिष्ठित केदारनाथ टेंपल में है, हम लोग ने अभी अभी दर्शन भी लिए। घूमते जाइए, दिखाते जाइए। मौसम हालांकि बहुत ही खराब है, किसी भी वक्त बरसात या बर्फबारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह चीज हम लोग को रोक नहीं पाई। वी स्टिल वेंट एंड टेक ब्लेसिंग फ्रॉम द केदारनाथ टेंपल। अभी एट प्रेजेंट हम लोग खड़े हैं यहाँ के प्रसिद्ध चट्टान को फेस करते हुए, जिस चट्टान से कहा जाता है कि जब यहाँ पे 2013 की आपदा आई थी, जब बादल फटा था यहाँ पर और ऊपर से पानी आ रहा था, तो इस चट्टान की बदौलत जो केदारनाथ टेंपल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस वजह से ये आज की डेट में इस चट्टान को भी पूजा जाता है। टेंपल बहुत खूबसूरत टेंपल है। हम लोग जिस टाइम पे गए, शायद वो रशावर बाबा भैरव के बारे में बता दो। बाबा भैरव यहाँ से एक और, अगर आप केदारनाथ आए तो यहाँ से एक और बाबा भैरव जी का मंदिर है, जो कि केदारनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा आपको उसके लिए। हाँ, वो ऐसे घूमने से आएगा, वो घूमने से रुके आप थोड़ी देर। हाँ, ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, इस पे आप ट्रैक करके जाएंगे 1 किलोमीटर, तो फिर वो मंदिर है। ये देखिए, वो ऊपर पहाड़ पे दिख रहा है, बादलों से ढका हुआ मंदिर है अभी फिलहाल तो बाबा भैरवनाथ। बाबा भैरवनाथ, जब बादल छटेंगे, आशा करते हैं कल सुबह जब हम लोग उठे तो आसमान साफ हो, जिसकी वजह से हम लोग और भी यहाँ आसपास की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, उसके अच्छे अच्छे से उसको देख सकते। थैंक यू गोलू।